तो चलो प्यारे बच्चों, ये एक कंफ्यूज थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल है, बट बच्चों को इसमें डाउट आता है, कंफ्यूजन होता है कि कना देखो यहाँ जो जिस न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन डीके इंटू प्रोटॉन, बट ए प्रोटॉन डज नॉट इंटू, यहाँ जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है न्यूक्लियस के अंदर नहीं बात हो रही है। न्यूक्लियस के अंदर तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में टूटता है और प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में टूटता है। यहाँ एक फ्री न्यूट्रॉन की बात हो रही है। फ्री न्यूट्रॉन वह न्यूट्रॉन है जो अकेला बैठा है न्यूट्रॉन, ठीक है, इस तरह से अकेला है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं है। तो अगर फ्री न्यूट्रॉन है, तो अगर फ्री न्यूट्रॉन जो होता है, तुम यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लिखता हूँ, फ्री न्यूट्रॉन की अगर बात करोगे तो फ्री न्यूट्रॉन जो है वो एक अनस्टेबल पार्टिकल होता है, अनस्टेबल पार्टिकल होता है, और अनस्टेबल पार्टिकल होता है तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, समझ रहे हो ना। तो अनस्टेबल पार्टिकल होता है और इसकी जो हाफ लाइफ होती है लगभग लगभग 15 मिनट्स होती है फ्री न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो ये जो फ्री न्यूट्रॉन है वो डीके करता है, जो न्यूट्रॉन है वो डीके करेगा फ्री न्यूट्रॉन, और वो एक प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो बनाएगा, ठीक है ना, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एंटी न्यूट्रिनो, तो ये न्यूट्रॉन, फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो अनस्टेबल पार्टिकल होता है, अब वो स्टेबल होना चाहेगा तो स्टेबल होना पड़े तो बीटा डीके करता है, ठीक है। तो बीटा डीके पॉसिबल मास ऑफ न्यूट्रॉन, और यहाँ से प्रोटॉन की जो मास होती है वो कम हो जाती है। तो फ्री न्यूट्रॉन डीके इंटू प्रोटॉन, तो ये तो बात बिल्कुल सही है, बट ए फ्री प्रोटॉन डज नॉट डीके इंटू न्यूट्रॉन। तो अगर फ्री प्रोटॉन की बात करोगे तो फ्री प्रोटॉन अगर देखोगे तो स्टेबल पार्टिकल होता है, स्टेबल पार्टिकल होता है, और अगर स्टेबल पार्टिकल होता है और वैसे भी इसका मास कम है यार, तो न्यूट्रॉन अगर मास कम है तो फ्री प्रोटॉन न्यूट्रॉन में क्यों कन्वर्ट होगा मास जब कम है। तो बात आ रहा समझ में, और ये इसका मास कम होने की वजह से और स्टेबल पार्टिकल होने की वजह से एक फ्री न्यूट्रॉन ब्रेक नहीं होता है प्रोटॉन में, मतलब न्यूट्रॉन इज ए कंपोजिट पार्टिकल मेड अप प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इज चार्जलेस पार्टिकल, यहाँ से प्रोटॉन इज चार्जलेस पार्टिकल बिकॉज ए फ्री प्रोटॉन डज नॉट डीके इंटू न्यूट्रॉन बिकॉज न्यूट्रॉन, ये तो बिल्कुल गलत है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इज ए कंपोजिट पार्टिकल मेड अप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन हैज लार्जर रेस्ट मास देन प्रोटॉन। मतलब अगर तुम देखोगे कि न्यूट्रॉन की जो है लार्जर मास देन प्रोटॉन, तो ये वाली जो चीज़ है, मतलब अपना फोर्थ ऑप्शन इसमें से सही हो जाता है कि न्यूट्रॉन है लार्जर मास रेस्ट मास देन प्रोटॉन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।